नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10 ऐसे छोटे छोटे देसी जुगाड़ जिससे आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको आसान कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए हुए। पैसे खर्च करके हम बाज़ार से महंगी महंगी ऑर्गेनाइज़र और अच्छी अच्छी चीज़ें ला करके अपने घर को तो सजा ही सकते हैं, लेकिन बिना पैसे खर्च किए हुए अगर हम सजाएं तो मज़ा आता है। आज मैं आपके लिए 10 देसी जुगाड़ लेके आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे देख के लगता है इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप उसको करेंगे तब आपको फ़र्क पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला देसी जुगाड़ है, ये जब हम ऑलिव ऑयल की बॉटल लेके आते हैं और जब खाली हो जाता है, इसकी बॉटल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और इसको फेंकने का हमारा मन नहीं करता है, तो क्या करिए, इसके जो ऊपर रैपर है इसको हटा दीजिए और इस तरह से इसको साफ करके इसमें आप अपना जो कुकिंग ऑयल होता है उसको रखिए। इसके अंदर जो नोजल होते हैं उससे तेल बहुत ही अच्छे से गिरता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गिरता है, बहुत अच्छे से गिरता है। इस तरह से एक में आप रिफाइन और एक में सरसों का तेल रख लीजिए, आपका सेट तैयार हो जाएगा। बाजार से जो महंगी ऑयल डिस्पेंसर लेके आते हैं उसकी जगह ये बहुत ही अच्छा है। टिप नंबर 2, जिसमें हम अपने स्पैचुलास वगैरह रखते हैं, ये जो कंटेनर है कुछ टाइम के बाद इसमें बहुत पानी धीरे धीरे जमा हो जाता है और बदबू आने लगती है और गंदा हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें किचन रोल या टिश्यू पेपर जो भी आपके पास है वो थोड़ा सा निकाल लीजिए और इसके बेस में रख दीजिए। फिर जब आप इसमें अपने कलछी और स्पैचुला वगैरह रखेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इसको सिर्फ हटा दीजिए तो बिल्कुल भी मैल जमा नहीं होगा और साफ करने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। कुछ टाइम के बाद हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है उसका जो बॉटम होता है वो इस तरह से बीच से थोड़ा सा उठ जाता है और इस तरह से देखिए घूमने लगता है। जब हम बाज़ार से नया लेके आते हैं तो उसका जो बॉटम है देखिए बिल्कुल फ्लैट रहेगा, वो घूमेगा नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद वो घूमने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जब कुकर बिल्कुल गर्म रहता है तभी हम उसे अपने काउंटर टॉप पे स्लैब पे रख देते हैं। गरम गरम जब हम रख देते हैं तो उसका जो बॉटम है वो ऐसा हो जाता है। इसके लिए क्या कीजिए, ऐसे तो बाज़ार में स्टैंड आती है जिसके ऊपर गरम बर्तन रखने के लिए होता है, लेकिन घर का जो देसी जुगाड़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा पुराना गैस स्टोव है उसका जो चूल्हा होता है उसको आप फेंकिए मत, उसको आप संभाल के रख लीजिए। खाना बनाने के बाद इस तरह से चूल्हे पर आप अपने जो कुकर है उसको रखिए तो इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। अपने अलमारी के अंदर जब हम कपड़ों को स्टैक करके रखते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक करके रखते हैं, तो उसे निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। जब हम नीचे वाला कपड़ा निकालते हैं तो ऊपर के जो कपड़े हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, जो हम सामान वगैरह मंगाते हैं उसके साथ जो कार्डबोर्ड आता है उसका इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लिया है और उसमें मैंने कपड़ों को रखा है। इससे क्या हो रहा है कि ऊपर में थोड़े से स्पेस भी क्रिएट हो रहे हैं जिसमें रोज़मर्रा के जो है चूड़ी वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह वो रख दिए हैं ताकि ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। जैसे ऑफिस वगैरह जाना हो तो सामने ही पड़ा हुआ मिल जाए, और इसमें रखने से क्या होता है कि दिखाई भी पड़ रहा है, कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर उसके ही मैंने चूड़ियाँ और ईयरिंग्स वगैरह रख दी है ताकि ढूंढने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या स्पेस क्रिएट हो रहा है और कोई भी कपड़ा आप निकालेंगे तो दूसरा कपड़ा इसमें बिगड़ेगा नहीं। और ये कार्डबोर्ड का ये जो मैंने बनाया है ऑर्गेनाइज़र बहुत ही आसान है। ये देखिए एक ही तरह के मैंने 3 बनाए हैं, ये टी शर्ट मैंने सिर्फ इसमें डाल दिया है, इसमें चिपकाने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम के बाद जब आपका इससे मन उब जाए तो इसे चेंज करके दूसरा इसमें टी शर्ट आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। जिस तवे में आप रोटी बनाते हैं अगर उसमें ही आप डोसा वगैरह बनाएंगे तो देखिए कैसे चिपक रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। इसके लिए क्या कीजिए, हमेशा 2 तवा रखिए, एक में सिर्फ रोटी बनाइए, सिर्फ जब आप रोटी बनाएंगे तो रोटी भी अच्छी बनेगी और दूसरे तवे में पराठा और डोसा वगैरह बनाइए।
जिसमें आप पराठा वगैरह बनाएंगे वो तवा जो है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, और उसमें जब भी आप पराठा बनाएंगे धोने के बाद यूज़ करके आप उसको धो के रख दीजिए, वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। जब भी आप उसमें पराठे बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बनेगा। और तेल वाले में, अगर आप पराठे वाले में रोटी कभी बनाते हैं तो वो रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है, साइड से बेकार हो जाती है। तो एक तवे में आप रोटी बनाइए और एक तवे में आप पराठा बनाइए। नेक्स्ट टिप है, इस तरह की जो जैम की बॉटल हम लेके आते हैं और खाली हो जाती है तो ना तो फेंकने का मन करता है ना ही रखने का, तो देखिए इस तरह से आप इसको खूबसूरत कंटेनर बना लीजिए। इस तरह का कवर जो है उसको मैंने चेंज कर दिया है। इसमें हम मैंने ये देखिए जो पेपर आते हैं उससे मैंने इसमें चिपका के इतना बढ़िया बना दिया है। और कोई भी डेकोरेट वाला इसमें आप इसके यहाँ पे देखिए नेक में मैंने ऐसे राखी की जो बची हुई होती है वो लगा दी है। इन काम में आप चाहें तो अपने घर में बच्चों को लगा सकते हैं। इस तरह का ये जो ग्लास पेंट आता है उससे किया है, ये देखिए ये तो मेरे बच्चों ने किया है, कितना बढ़िया देखने में लगता है, बिल्कुल डिज़ाइनर पीस लगता है। इस तरह से आप घर में बच्चे जैसे घर में हैं तो उनको ये काम में लगा दीजिए, उनको भी बहुत मज़ा आएगा और आपका किचन बहुत ही सुंदर सज जाएगा। ये देखिए दो डिज़ाइन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। शीशे का जो कंटेनर आता है उसको बिल्कुल मत फेंकिए, इस तरह का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट टिप है, जैसे आप अगर रेंटर फ्लैट में रहते हैं, आप डेकोरेटिव पीसेस जो है ज़्यादा खरीद नहीं सकते, या फिर आपके पास उतने ज़्यादा साधन नहीं है, या जो रेंटर फ्लैट में रहते हैं वो ज़्यादा अपना सामान बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो अपने घर को सबसे सिंपल तरीका है घर को सुंदर बनाने का, बस आप क्या कीजिए, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स आते हैं 20 30 40 50 रुपए तक का आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स खरीद के ले आइए, उसको जगह जगह लगा दीजिए। अगर आप कॉफ़ी टेबल साइड टेबल वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, या आपके पास सुविधा नहीं है, आप अपना सामान नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो जगह जगह पे इस तरह से जो नेचुरल प्लांट्स आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, उसको लगाइए। उससे आपका घर बहुत ही सुंदर लगेगा। किसी भी डेकोरेटिव पीस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप ये देखिए बिल्कुल ही जेट प्लांट है, एलोवेरा है, ये तो बहुत ही आसानी से आसपास में मिल जाती है, या आप खरीद के भी ला सकते हैं। इससे अपने घर को सजाइए, घर बहुत ही सुंदर सजता है और बिल्कुल भी पैसे इसमें खर्च नहीं होते हैं। जो लोग बाहर से पीने का पानी मंगाते हैं उनके पास इस तरह के कई सारे डब्बे जमा हो जाते हैं। मेरे पास भी पहले के कई सारे डब्बे जमा हैं। इन्हें ना तो फेंकते बनता है ना ही रखते बनता है। इसका मैंने क्या किया है, बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है, इसको बीच में से कट कर दिया है, दोनों पार्ट में मैंने प्लांट लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही मजबूत होता है, इसमें बहुत ही अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। और इसको पेंट कर दिया है और बीच में ड्रेनेज होल बना दिया है। किसी भी गर्म कील से इसमें ड्रेनेज होल बना दीजिए, बिना ड्रेनेज होल के तो प्लांट नहीं लग सकेगा। ड्रेनेज होल बना दिया है और इसमें प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और बहुत ही मजबूत है। तो इस तरह से ये डब्बे का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। जहाँ कहीं भी हम ये ऑयल डिस्पेंसर रखते हैं तो उसके नीचे तेल जमा हो जाता है, तेल रिस जाता है और हमारा वो जगह जो है वो गंदा हो जाता है। इस तरह से ऑयल डिस्पेंसर को जब भी आप रखें तो उसके नीचे या तो कोई पुरानी प्लेट वगैरह रख लें, या सबसे अच्छा मुझे ये प्लास्टिक का कंटेनर लगता है, जो हम मशरूम वगैरह खरीदते हैं तो उसके साथ मिलता है। इस तरह से इसके नीचे रखें, ऑयल डिस्पेंसर के नीचे इसको रख दें और जो भी तेल रिसेगा वो इसके नीचे रिसेगा, और हफ्ते में एक दिन आप इसे बदल दें। नेक्स्ट है, हमारी जो कुकिंग यूटेंसिल्स होती है उसको हम इस तरह से काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जिससे कि काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। इसको रखने के लिए वैसे तो बाज़ार में स्पून रेस्ट आती है, लेकिन हमें कोई देसी जुगाड़ करना है, हमें बाज़ार से तो कुछ खरीदना नहीं है, तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी प्लेट रख लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से कलछी को रखिए, अपने जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स है उसको रखिए, जिससे कि आपका स्लैब भी गंदा नहीं होगा और काउंटर टॉप बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये थी किचन टिप्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये हमारी देसी जुगाड़। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।